सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मेरा नाम है मनीता छेत्री और आप सभी को मेरे एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। और फ्रेंड्स, हम कल यहीं रुके दीदी लोगों के घर और भतीजे घर में, भागवत में भी आए थे और दीदी के लोगों के घर भी यहाँ आना था, तो कल हम यहीं रुके थे। और अभी हम मैं थोड़ा दीदी लोगों का घर दिखाती हूँ। हेलो गाइस। और फ्रेंड्स, ये हमारा बड़ा भतीजा। और फ्रेंड्स, आइए दीदी लोगों के इधर उधर सभी दिखाती हूँ। और दीदी लोगों का गांव का नाम है खटल बस्ती। खटल बस्ती सोठिया में है। और हमारे भतीजी का गांव है नलबरी पीपल डड़ा और ये है खटल बस्ती। ये दोनों गांव ही सोठिया में ही है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत सुंदर सा गांव है, हरा भरा। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। और भी दो भतीजे हैं, वो तो बाहर गए हैं और दीदी भी काम कर रही है। अभी दीदी लोगों का यहाँ घर बनाने का काम भी चल रहा है। ये देखिए, और ये है मेरा बेटा, यहाँ खेल रहा है वो भी। और ये है दीदी लोगों का चेरी, देखिए कैसे यहाँ सो रहा है। ये दीदी लोगों का सगोड़ा है, हम तो इसको बारी बोलते हैं। और देखिए यहाँ क्या क्या हो रखे हैं, यहाँ लहसुन प्याज और ये गोभी मूली बहुत कुछ हो रखे हैं यहाँ। बहुत अच्छे से खेती भी होते हैं यहाँ। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ आलू की खेती हुए थे तो आलू को निकाल दिया गया अभी, और यहाँ भी कुछ लगाया गया। ये देखिए, और ये साग इतना मीठा होता है, हम इसको बेथू बोलते हैं। बेथू का साग बहुत ही टेस्टी होता है ये साग, और स्वास्थ्य के लिए वही बहुत अच्छा होता है ये साग खाने में। देखिए कितने हैं यहाँ। और फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ये है नीम का पेड़, बहुत बड़ा है नीम का पेड़। और फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ बहुत सारे पंछी आ रखे। ये देखिए अभी चले गए, यहाँ पके हुए केले थे तो इसको खाने के लिए पंछी आए थे। ये देखिए, और अभी मुझे देखकर सब पंछी चले गए। और इधर है हंस, यहाँ बहुत सारे हंस है। ये देखिए बहुत अच्छा लगता है सभी हंस को एक साथ देखने में। यहाँ हो रखी है लौकी, ये देखिए फ्रेंड्स। और यहाँ गाय को देने के लिए पानी गर्म हो रहा है। और ये देखिए मेरे पति देव और मेरे बेटे। ब्लॉग बन रहा है अभी, ब्लॉग बन रहा है। और अभी सब ने खाना खा लिया है, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ने। और अभी मैं खाना खाने के लिए जा रही हूँ अंदर। अरे मेरे बेटे और मेरी बेटी अभी खा रही है। और अभी खाने के लिए है चावल और ये ग्रेवी पनीर का। मुझे पनीर का ग्रेवी बहुत अच्छा लगता है। रात को मैंने बनाया था, जब तब इतना ग्रेवी नहीं हो गया था। मुझे तो ऐसा ग्रेवी वाला पनीर ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी है ये। इधर है आलू भाजी और अभी हम फटाफट खाना खाएंगे। और अभी हमें घर जाना भी है तो हम फटाफट खाना खा के, वो पहले हमें फिर भतीजे के घर भागवत में जाना है और उसके बाद ही हम घर जाएंगे। और फ्रेंड्स, अभी हम सब मिलकर भतीजे के घर श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए जा रहे हैं और आज घर भी जाएंगे।
और आज का वीडियो भी यहीं एंड कर देती हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।